नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने चेन बनाने के लिए इसका बेसिक बताई थी कि कैसे इसको बनाना है। हम अब आगे बताएंगे कि इसको किस तरह से आगे बनाना है। अब जैसे कि इस पे एंगल बनाना है तो इसको कैसे बनाएंगे। इसको एंगल अगर आपको सीधा सीधा बनाना हो तो इस पे एंगल जो है हम इसी पर बनाएंगे। जैसे ये चेन है, ये चेन पर हम इसको डालेंगे। देखिए इस पे इस तरह से फंदा लेंगे और ये जो चेन दिख रहा है इस चेन पर इस तरह से क्रूस को डाल करके और ऐसे फिर से वापस ले आएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास तीन फंदा हो जाएगा, तीन फंदा हो जाएगा। तो इसको हम फिर से दो फंदा को हम वापस से निकाल लेंगे। अब हमारा दो फंदा हो गया, दो फंदा को फिर इस तरह से धागा लेकर के इस तरह से निकाल लेंगे। और फिर अब हम ये हमारा एक एंगल हो गया। अब हम दूसरे एंगल को बनाने के लिए हम फिर से दूसरा चेन पर इस तरह से तीन फंदा बनाएंगे, फिर इसको हम दो फंदा बनाएंगे, फिर इसको हम एक फंदा बना देंगे। इस तरह से हम बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से चेन पर डालेंगे। पहला वाला जो है डालने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। इस तरह से देखिए इस फंदा को इस तरह निकालेंगे और तीन फंदा में से दो फंदा को निकाल देंगे, फिर इस दो को भी निकाल देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा ये एंगल बनते जाएगा। अब अगर हमको इसको वापस से मोड़ना है तो इस पे हम ये चेन बना लेंगे, क्योंकि चेन बनेगा तभी तो एंगल के बराबर होगा। तो आप इस तरह से कर लें, उसके बाद ये चेन जो बनता है अब इस चेन पर डाल करके एंगल बनाएं। तो ये हमारा एंगल बनाने का तरीका है। अब आप इस तरह से पूरे जैसा भी चाहें उस तरह का एंगल बना सकते हैं। ये देखिए हमारा एंगल बनाने का तरीका है। ये हमारा एंगल बन करके तैयार हो रहा है और आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।